हाँ प्रतिदिन बहुत सारे आदमी मतलब जान जोखिम में डालकर मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए शहर की ओर आते हैं लोग। हाँ नहीं आ देखियो ना में धाप से गिर बन टूटल चाली लगौले बड़ा सा वहीं में गिर बन। नाव पर साइकिल लादना उतारना कभी कभी आदमी बाइक लेकर गिर भी जाता है काफी चोट भी लगता है। पिकअप लड़ता हुआ वही में आदमी डूबता वाले पक्का पुल ने तो हमने के नाव बंद हो जाए मंजूर बाकी पक्का पुल दो नाव वाला हमने के बोला थी। येरा वासी के लिए पुल इतना जरूरी है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक पुल देने के लिए हो भी रहा है जो कि दिघवारा सह शेरपुर बन रहा है उससे दियारा के लोगों को कोई लाभ होने नहीं जा रहा है। कुछ बदलाव नहीं है सरकार का कोई ध्यान नहीं है दियारा क्षेत्र जिनको काम है उनको तो आना है ही नहीं आएंगे तो फिर भूखे रहेंगे। पिकअप पुल एक साल में जितना खर्च होता है अगर उतना पाँच साल का लगा दिया जाए तो पक्का पुल बन जाएगा लेकिन फिर भी सरकार नहीं चाह रही है। पिकअप पुल से समाधान नहीं है दो चार महीना के लिए जैसे कि हम लोग का जैसे कि राहत मिलता है मात्र नावे भादो में मोड़ इमरजेंसी सब नावे है। हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे तभी जाकर नेता लोग को ध्यान पड़ेगा। जब तक वोट बहिष्कार नहीं होगा जब तक नहीं क्षेत्र में विकास नहीं होगा। सरकार से हम लोग मांगते हैं तो सरकार देते हैं लोग। अभी मैं खड़ा हूँ पटना से सटे नासरीगंज घाट के किनारे जहाँ से मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूँ जो सुनकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। दरअसल राजधानी से 10 किलोमीटर आगे ये नासरीगंज का इलाका है और ये नासरीगंज घाट है जहाँ से के उत्तर में दियारा क्षेत्र है और उस दियारा क्षेत्र में एक घनी आबादी है। 6 पंचायतों में लगभग 1.5 लाख लोग दियारा क्षेत्र में रहते हैं लेकिन उन लोगों के आने जाने का कोई भी साधन राजधानी के लिए नहीं है ना ही पक्की पुल का निर्माण कराया गया है और जब जो पीपा पुल भी बनाए जाते हैं वो भी कुछ महीनों के लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसे में इस घनी आबादी को किसी भी काम से अगर राजधानी या कहीं और भी जाना होता है तो नाव के सिवाय दूसरा कोई भी साधन उनके पास नहीं है। हालांकि कई दियारा क्षेत्रवासियों से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उनकी कहना ये है कि 3 विधानसभा और 3 लोकसभा का बॉर्डर पड़ता है ये दियारा क्षेत्र लेकिन कई बार मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री के द्वारा पक्की पुल निर्माण करने का वादा किया गया था लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं किया जा सका है जिसके कारण इस नासरीगंज घाट से लगभग 5 दर्जन नावें प्रतिदिन खुलती है और हजारों की संख्या में दियारावासी इस जान जोखिम में डालकर नाव का से यात्रा करने पर मजबूर हैं। चाहे वो आलू की बुआई करने के लिए आलू का बीज हो सीमेंट हो घर बनाने का छर हो या फिर कहने का मतलब कि जो लोग नौकरी करने वाले हैं या किसी कार्य से उन्हें दियारा से पटना आना हो या पटना से अपने परिवार के पास मिलने दियारा जाना हो तो उनके पास जाने का एकमात्र साधन ये नाव है। और इस नाव की स्थिति आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे 5 दर्जन से अधिक नावें खुलती है और सभी नावों पर सैकड़ों की संख्या में लोग सवार होकर के अपना यात्रा करते हैं जान जोखिम में डालकर करते हैं। बच्चे होते हैं बूढ़े होते हैं युवा होते हैं महिलाएं होती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह एक राजधानी से सटा दियारा इलाका है जहां 6 पंचायत हैं और लाखों की आबादी है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार की सुविधा से आज भी ये लोग वंचित हैं और ये लोगों के द्वारा लगातार सरकार से पक्की पुल के निर्माण कराने की मांग की जाती है। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा कई बार पुल बनाने का आश्वासन भी दिया गया है लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं किया जा सका है और दियारा वासियों को वोट के समय लोग याद करते हैं और चुनाव खत्म होते ही दियारा वासियों को लोग भूल जाते हैं। ऐसे में कई दियारा वासियों ने वोट बहिष्कार करने की भी बात कही है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जुड़े जो लोग हैं वो उनकी समस्या क्या है उनकी समस्या के बारे में मैं जब जानने की कोशिश किया तो आइए सुनाते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। कोई साधन नहीं थे कुछ साधन नहीं थे दियर में काथी का साधन उतना दहाड़ल सुखाड़ल एगो रुपया के कोई परापति नहीं थी गरीब मरत हो भूखल ना ऊपर तो जान जोखिम में डाल के लोग सफर करता ना। हाँ वही हाँ देखियो ना में धप से गिर बनी टूटल चाली लगौले बड़न सा वही में गिर बनी गोड़हन टूट जाए तो गरीब हम दी कहाँ से बनाइए करी। तो सरकार से पुल के मांग कर ली का मांग कल जा दियारा क्षेत्र से प्रतिदिन आते जाते हैं क्या लगता है किस तरह आप लोग एक
मैंने राजधानी से सटे इलाका में के दियारा क्षेत्र में रहते हैं, बावजूद क्या असुविधाएं होती हैं? हम लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दियर से आते समय, जैसे नाव पर साइकिल लादना उतारना, कभी कभी आदमी बाइक लेकर गिर भी जाता है, काफ़ी चोट भी लगता है। और राजधानी से सटे हुए होने के कारण भी हम लोग का पुल की सुविधा नहीं है, जिससे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं आपके दियारा इलाके में? हमारे दियारा क्षेत्र में तो एक ही लोकसभा क्षेत्र है। एक है या तीन? एक, तीन, तीन, सॉरी। तो तीन तीन विधान लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद क्षेत्र में हम लोग आते हैं, वो तो एक ही क्षेत्र में एक ही लोकसभा क्षेत्र है। बॉर्डर तो तीन पड़ता है? हाँ, बॉर्डर तीन पड़ता है। तो ऐसे में क्या सांसद लोगों से आप लोगों की बात होती है, दियारा क्षेत्र के लोगों की? बातें तो होती है, लेकिन बातें में ही रह जाती है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्या आप लोग ने कभी मांग किया है पुल के लिए? बहुत बार मांग किया है, जब भी इलेक्शन आता है चाहे वोटिंग का समय आता है तो हम लोग नेता लोग से मांग करते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इन दियारा क्षेत्रों में कितनी आबादी होगी? करीब करीब 10-11 पंचायत है, उस हिसाब से समझ लिए कितना आबादी। लाखों की कहा जा सकता है? लाखों की आबादी? हाँ, लाखों से ऊपर की आबादी होगी। ऐसे में लोग जान जोखिम में डाल करके नाव से यात्रा करने को मजबूर? हाँ, प्रतिदिन बहुत सारे आदमी मतलब जान जोखिम में डालकर मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए शहर की ओर आते हैं लोग। कई बार तो यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था पुल बनाने को। बहुत बार पिछले बार ही लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में बहुत सारे नेता के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पुल बना देंगे तो ये कर देंगे, वो सारी बहुत सारी वादे किए, लेकिन कोई पूरा नहीं होता है। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे, और लालू प्रसाद का ये विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है सोनपुर, बावजूद लालू प्रसाद ने भी आप लोगों को आश्वासन दिया था पुल बनाने का, जबकि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की ये खामियां हैं और इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? करीब करीब 20 साल नीतीश कुमार सरकार को हो गया, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया दियारा क्षेत्र में। अभी तो नहीं फिर गठबंधन बना है, तो फिर देखिए आगे क्या होता है। क्या लगता है कि ये जो वर्षों से ये समस्या चलती आ रही है आगे भी जारी रहेगी, या फिर सरकार इस पर पहल करके? के दशक में जब भी लालू यादव की सरकार थी, उस समय लालू यादव की सरकार में पीपा पुल बना, उस समय काफ़ी दियरवासियों को सुविधा होती है। उसके बाद से जब नीतीश कुमार का सरकार बना, उसके बाद से कोई सुविधा दियरवासियों को नहीं मिलता है। कहाँ से आ रही हैं? मानस से। डियर से कैसे आई हैं पटना? नाव से आए हैं। क्या है, और कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है। पुल वगैरह का? कुछों का साधन नहीं है। क्या करने आप पटना आती हैं आप लोग? दवा लगा रहे हैं। दवा के लिए आप लोगों को पटना आना पड़ता है? हाँ। आने जाने का कोई साधन भी नहीं है? नहीं, कोई भी साधन नहीं है। नाव पर आती हैं, क्या डर नहीं लगता है? नाव पर अब लोग के डर लगेगा तो कैसे बाल बच्चा पोसेंगे पालेंगे लोग? जान जोखिम में डाल करके आना पड़ता है। हाँ। क्या कभी आप लोग या आपके दियारा क्षेत्र के लोग सरकार से पुल का मांग किए? मांगते नहीं हैं। क्या बोला जाता है? कोई सुविधा नहीं देते हैं सरकार। कितनी आबादी होगी पूरे आपके दियारा क्षेत्र की लगभग? कितनी होगी? लोग बहुत आदमी हैं। लाखों की कहा जा सकता है? हाँ। तो ऐसे में हर लोग को अगर राजधानी आना पड़ता है तो नाव का ही एक साधन है? हाँ, नाव का साधन है। कितना पैसा लगता है नाव का किराया? कितना पैसा लगता है? 100 रुपया के एक आदमी के लगता है। तो ऐसे में एक तो सुविधा से वंचित और दूसरा पैसा भी अधिक लगता है। हाँ। तो क्या सरकार से क्या मांग करती हैं आप लोग? सरकार से लोग मांगते हैं तो सरकार देते हैं लोग। मांग क्या करना चाहती हैं आप लोग? लोग नाव हम पक्की पुल मांगते हैं लोग, और क्या चीज मांगे। दियारा क्षेत्र से आती हैं जी, क्या मुसीबत होता है, क्या परेशानी होती है यहाँ आने में? मुसीबत है कि नाव पर उतरने में हमको इतना हम लोग को कठिनाई है, चढ़ने में भी कठिनाई है, और कच्ची कठिनाई, आने जाने का रास्ता हम लोग का खराब है। क्या पुल का निर्माण नहीं कराया गया? पुल का निर्माण तो हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है। कई विधानसभा और कई लोकसभा का इलाका है यहाँ, तीन विधानसभा तीन लोकसभा का ये क्षेत्र पड़ता है, फिर भी एक बड़ी आबादी जो है सरकार की सुविधाओं से वंचित है। हाँ, वंचित है क्या? आप लोग मांग करती हैं सरकार से? मांग करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मांग तो बराबर हम लोग करते हैं। क्या लगता है कि नाव से आप लोग का परिचालन करना पड़ता है, आना जाना? बहुत कठिनाई है दियारा के आदमी को, तो बहुत कठिनाई है, जान जोखिम में डाल। हाँ, अब अभी तो 2-1 घंटा से आदमी नाव पर फंसल है, नाव चढ़ ही नहीं रहा है।
समस्या तो पीपा पुल देव आदमी रोजगारी दुख चक्का पिकअप लड़तब वही में आदमी डूबत अरे पक्का पुल नहीं तो हमने के नाव बंद हो जाए मंजूर बाकी पक्का पुल दो नाव वाला हमने के बोले थी सो आप लोग नाव चलाते हाँ आप नाव चलाते हैं यहाँ पे कितनी नाव है यहाँ से खुलती होगी दियारा के लिए पड़े दिन भर में तो यहाँ 70 गो में 2 गो नाव कम है और दिन भर में सबके 3-3 खेप लगता है कितने लोग आते होंगे पड़े कम से कम नहीं तो 2 लाख से कम आदमी नहीं आता है इतनी घनी आबादी है दियारा का तो दियारा का 6 पंचायत का आदमी है तो के रोड यह न रोड है पक्का पुल तो नहीं रोड नावे से न पार होगा जाएगा चाहे आवेगा पक्का पुल से तो नहीं जाएगा पीपिया पुल तो भाई नहीं जोड़ाया है नावे न हम लोग का रास्ता है दियारा क्षेत्र के एकमात्र साधन नाव है हाँ एकमात्र नाव है भादो में मोड़ इमरजेंसी सब नावे है तो ऐसे में क्या लगता है सरकार कई बार तो आश्वासन दिए होंगे कई मंत्री विधायक आश्वासन भी दिए होंगे कि हाँ पुल का निर्माण कराया कितना मंत्री या कितना विधायक या तो मिलता नहीं है तो क्या लगता है कि दियारा के क्षेत्रों को कोई के अथी नहीं है मतलब दियारा से विधायक के मंत्री को कोई के दियारा क्षेत्र से मतलब नहीं है वोट ले लो बस अपना घर जनता अपना घर है तो दियारा क्षेत्र के लोग क्या पुल का मांग कर रहे हैं मांग नहीं करता है मांग आपका का मांग करे हम लोग को उनका उनका पहले सुनाइए लेकिन 7 साल के बाद हम लोग को पक्का पुल दे 7 साल तक हम लोग को पीपा पुल न दे लेकिन 7 साल के बाद दम वादा कर दे कि पक्का पुल देंगे कब से ये सब आश्वासन दिया जा रहा है कि पुल बनेगा आश्वासन देते हुए तो करीब 12-13 साल हो गया से ऊपर हो गया आश्वासन देते हुए दियारा क्षेत्र में बहुत घनी आबादी है बावजूद आखिर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है हम लोग में भी कुछ कमियां हैं हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे तभी जाकर नेता लोग को ध्यान पड़ेगा जब तक ले वोट बहिष्कार नहीं होगा जब तक ले क्षेत्र में विकास नहीं होगा मतलब कहा जा सकता है कि दियारा क्षेत्र में विकास का कोई कार्य नहीं होगा कोई कार्य नहीं हो रहा है विकास का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के साधन संसाधन जो दियारा क्षेत्र के लोग जो हैं आज उन्हें कोई भी काम करने के लिए राजधानी में आना पड़ता है तो उन्हें उनके आने का एकमात्र साधन नाव है जो कि कई बार दुर्घटना भी होती है और लोग जान जोखिम में लेकर देख हर साल देखे कि एक बार में जीप पलटी तो करीब 9-10 आदमी मर गया उस पर भी कोई नेता लोग को ध्यान नहीं हुआ आज भी वही समस्या बना हुआ है तो क्या दियारा क्षेत्र के लोग मांग करते हैं पुल की हाँ पक्का पुल हम लोग को चाहिए फिर सरकार पीपा पुल बनाती है साल में एक बार दुर्घटनाग्रस्त होगा सरकार को क्या है जा रहा है जिसका जा रहा है ना जिसका क्षति ना हो रहा है उसका का बेटा डूब रहा है भाई डूब रहा है काथे डूब रहा है उसका इसलिए पक्का पुल तो बहुत जरूरी है सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है कितनी आबादी होगी दियारा क्षेत्र आबादी लगभग हमको लग रहा है कि 2.5 लाख आबादी है पूरे दियारा का 2.5 लाख से ऊपर ऐसे में सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रही है क्या लगता है अब सरकार क्यों नज़रअंदाज कर रही है अभी तो मैंने सर जनता तो चाहिए रहा है न कोई नेता है बढ़िया न कुछ है जनता के मांग सरकार सुन नहीं रही है या तो आवाज़ उनके कान तक पहुंच नहीं रहा है 3 लोकसभा 3 विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है ये दियारा क्षेत्र ये है 3 विधानसभा है ही लेकिन क्या कभी किसी मंत्री और कोई नहीं आज तक दियारा को वोट लेने के बाद कोई देखने नहीं जाता है कि लोग मर रहा है कि जी रहा है वोट के समय लोग जाता है उसके बाद कोई देखता नहीं है कि लोग मर रहा है कि जी रहा है और किस हाल में आ रहा है और जा रहा है कोई देखने वाला नहीं है लेकिन ये नहीं लगता है कि सरकार जो कर रही है आज जैसे गायघाट का पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल उसके पैरेलल पुल बनाने की बात करती है लेकिन उसके पैरेलल एक नया पुल बनाने की बात करती है लेकिन आज जो इस इलाके का दियारा क्षेत्र है जहाँ 6 पंचायत में 2 लाख से अधिक की घनी आबादी है तो इस साइड में पक्का पुल का निर्माण कराने से क्यों हिचकती है अब तो सरकार को मैंने जानना चाहिए कि क्यों हिचक रही है मतलब पुल तो बहुत दियारा वासी के लिए पुल इतना ज़रूरी है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है क्या लगता है कोई राजनीति इसमें आड़े तो नहीं आ रही है राजनीतिक पार्टी तो कोई ना कोई तो कारण ज़रूर है ताकि बहुत कम खर्च में जो पीपा पुल 1 साल में जितना खर्च होता है अगर उतना 5 साल का लगा दिया जाए तो पक्का पुल बन जाएगा लेकिन फिर भी सरकार नहीं चाह रही है और न इस पर कोई ध्यान है अभी देखे कि नाव से गिर गया आपके सामने पैर फूट गया पैर छिला गया ऐसे लाखों लोग रोज़ गिरता है रोज़ पैर हाथ किसी का टूटता है कान माथ कान फटता है
लेकिन कोई ध्यान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ वोट के लिए नेता मंत्री सब लोग आते जाते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं है दियारा की तरफ। ऐसे कुछ लोगों से भी मैंने बात किया था, दियारा क्षेत्र के लोगों से ही, जैसे आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों का साफ कहना है कि अब जब चुनाव आएगा तो जब तक दियारा वासी वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक शायद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है? ना, वो संभव नहीं है। दियारा पूरा दियारा का वोट बहिष्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे आपके बीच का जो आदमी है वो वोट डलवाएगा। हमारे बीच का जो आदमी है वही वोट डलवा देता है, बहिष्कार का तो सवाल ही नहीं है। बहिष्कार एक गांव करेगा, दो गांव करेगा, एक पंचायत करेगा, लेकिन पूरा दियारा बहिष्कार नहीं करेगा। तो ये माना जा सकता है कि वोट के लिए कोई बिचमान आ जाते हैं, लेकिन इस बड़ी कार्य कराने के लिए वो पीछे हट जाते हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। वोट मांगने सब नेता जाएगा, हर गांव में नेता है, हर दियारा में नेता है, लेकिन उसके बाद कोई नेता नहीं है कि पुल बनवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें, कोई नहीं है। दियारा क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है? आइए चाचा से पूछिए, इनको ज़्यादा नॉलेज है। बिजली की क्या? हाँ, बिजली तो ठीक है, बिजली का स्थिति बहुत बढ़िया है, जो छपरा से है कोई भी कराए। या हम लोग तो जानते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी हम लोग को बिजली दिए हैं, बिजली का स्थिति बहुत बढ़िया है। 18 घंटा 20 घंटा बिजली हमारे यहाँ रहता है, बिजली से कोई शिकायत नहीं है। मतलब ये कहा जा सकता है जो बुनियादी सुविधा आदमी को अपने घर में मिलनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन संसाधन की सबसे आवागमन का आवागमन का तो नग्न के बराबर व्यवस्था है। लोग अपना जान जोखिम में डाल के रोज आता जाता है, जिए तो अपने भाग से, मरे तो अपने भाग से। ये बताइए, आप दियारा क्षेत्र से आते हैं प्रतिदिन, ऐसा क्या मजबूरी है, क्या मैंने असुविधा है जिसके कारण लोग जान जोखिम में डाल करके यात्रा करने को मजबूर है? असुविधा ये है कि यहाँ पर तो पुल है नहीं, और पुल नहीं होने के कारण दियरे के लोगों का आने जाने का एकमात्र जरिया नाव ही है। तो जब नाव है तो काम जब है तो हम लोगों को तो इसी से आना जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी पुल बना ही नहीं, और बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी कोई जान नहीं रहा। तो ये हम लोग की ज़रूरत है आने जाने की, तो आते हैं। यहाँ तीन लोकसभा का क्षेत्र ये पड़ता है, उसके बावजूद भी ये समस्या क्यों है? तीन लोकसभा का क्षेत्र होने के बाद भी समस्या इसलिए है कि यहाँ से जितने भी सांसद हुए उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, और जो वर्तमान अभी सांसद है उनको भी यहाँ दियरा के लोगों से सिर्फ वोट से मतलब है, काम से कोई मतलब नहीं है। पुल बनने के लिए बनता है बहुत जगह, लेकिन यहाँ जो ज़रूरत है वो हम लोगों को पुल नहीं दिया जा रहा है। एक पुल देने के लिए हो भी रहा है जो कि दिघवारा सह शेरपुर बन रहा है, उससे दियारे के लोगों को कोई लाभ होने नहीं जा रहा है। एकमात्र आने जाने की जरिया नाव है। कितनी आबादी होगी दियारा क्षेत्र में, कितने गांव होंगे? करीब करीब गांव तो करीब बहुत ज़्यादा है, 50 गांव से कम नहीं होंगे दियारे क्षेत्र में, और ये 7 पंचायत का इलाका है। आबादी कितनी होगी? आबादी करीब करीब 1.5 लाख से कम थोड़ी होगा। ऐसे में 1.5 लाख लोगों को किसी भी कार्य के लिए अगर राजधानी आना पड़ता है तो उनका एकमात्र जरिया नाव के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपके पास आने जाने के लिए एकमात्र विकल्प नाव है, इसी में जान जोखिम में डालकर आना होता है, जाना होता है, और दुर्घटनाएं भी होते रहती है, लेकिन आदमी करे तो क्या, आना तो होगा ही। कई बार कई मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री ने भी पुल बनाने का आश्वासन दिया था दियारा क्षेत्रों में। दियारा क्षेत्र में सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम ना अभी तक हुआ है, और हम लोग को उम्मीद भी नहीं है कि होगा। सिर्फ आश्वासन लेके यहाँ के लोग चल रहा है और कुछ नहीं। नाविक हैं, नाव चलता है, ये नासरीगंज से कितनी नाव में प्रतिदिन चलती है? 50 नाव प्रतिदिन चलती है, और पूरा 6 पंचायत के पैसेंजर आता है जाता है। दिक्कत है तो देख ही रहे हैं, और ये तो जहाज वाला जट्टी है, इसलिए हम लोग को कुछ सुविधा है, नहीं जट्टी रहने पर बहुत दिक्कत है। कितनी आबादी होगी या कितने लोग प्रतिदिन सफ़र करते होंगे? कम से कम तो 5,000 आदमी आता जाता है प्रतिदिन। क्या नाव का भाड़ा है? नाव का भाड़ा 10 रुपया है। वाहन का अलग से? हाँ, वाहन का अलग से, वाहन रहता है जो 50 रुपया लगता है, 2 वाहन रहे चाहे 1 वाहन रहे 50 रुपया लगता है। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं नाव? यहाँ तो हो गया 20-25 वर्ष हो गया यहाँ काम हम लोग का करते हुए। क्या लगता है इस 20-25 वर्षों में राज्य बदल रहा है, राज्य बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, कि दावा सरकार के द्वारा किया जाता है, क्या दियारा क्षेत्र में भी कुछ बदलाव हुए देखे हैं आप 25 साल में? कुछ बदलाव नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है दियारा क्षेत्र पर। कहां कहां पूरा पुल बन गया, यहां बन गया, वहां बन गया, यहां कोई दानापुर क्षेत्र का है पड़ता है, सब कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे में कई बार नाव दुर्घटनाएँ भी होती है, लोग जान जोखिम में डाल कर आते हैं। आप एक नाविक हैं,
आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ या किसी पैसेंजर के साथ घटना घटे, लेकिन भगवान खुदा का कोई नहीं जानता है करिश्मा कब क्या होता है, लेकिन वैसे में लोग जान जोखिम में डाल करके आते हैं, तो आप लोग को अपनी भी चाहत होती है कि कम से कम एक पुल बन जाए? हाँ हाँ हाँ, पुल बनना का चाहत तो है। आप लोग कभी सरकार से या फिर अपने स्थानीय मंत्री विधायक से इस बात की चर्चा की है? बहुत मंत्री विधायक से हुआ चर्चा, कोई मंत्री विधायक दियर का जब इलेक्शन आता है तो वो बोलता है कि हम बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई विधायक आया चाहे एमपी आया बाकी कोई नहीं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो कोई काम नहीं करता है दियारा क्षेत्र का। मैंने आज भी दियारा क्षेत्र के लोग जो हैं राजधानी से सटे होने के बावजूद भी सुविधाओं से वंचित हैं? हाँ ये आपका जाने का साधन? नाव से जा रहे हैं। नाव से आप जाएंगे गंगा दियारा? हाँ करके हाँ, इंजॉय भी होगा, अच्छा भी लगेगा, हर बार हम लोग जाते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी भी है दियारा क्षेत्र में, जाना होता ही है, बन जाएगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। देखिए टाउन के लिए, दियर के लिए, हर बच्चे के लिए भी पर्सनल अच्छा हो जाएगा ना, स्कूल कॉलेज पढ़ाई सब चीज़ के लिए अच्छा हो जाएगा। ये नहीं लगता है कि नाव की यात्रा लोग करते हैं, बड़ी आबादी जो सफ़र करती है, यात्रा करती है दियारा क्षेत्र से हो चाहे फिर राजधानी से दियारा जाने वाले, जान जोखिम में डाल करके अपनी, हाँ क्या करे, जिनको काम है उनको तो आना है ही, नहीं आएंगे तो फिर भूखे रहेंगे क्या, इसलिए बीवी बच्चे घर में रहते हैं, जेंट्स आते हैं काम करते हैं फिर शाम को लौटते हैं, अब उस बीच किसी को कुछ होता है तो पुल बन जाता हो तो इतना रिक्सी नहीं होता, अब नहीं है तो थोड़ा तो रिक्सी है ही, अब हम ही लोग जा रहे हैं, नहीं जाते हैं डर लगता है लेकिन फिर भी जा रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार, नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं दियारा क्षेत्र के लोगों को या फिर टाउन से जो लोग जैसे आप पूजा करने के ध्येय से जा रही हैं तो ऐसे कई लोग हैं, लेकिन उन लोगों को सरकार नज़रअंदाज करते हुए अब तक पुल का निर्माण नहीं करवा पा रही हैं? सब चीज़ होता ही है, समय से वो भी हो जाएगा, सरकार सब कुछ कर रही है वो भी होगी, वो भी कम हो जाएगा। तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? वो नाव से जाते हैं तो वो प्रॉब्लम होता है, और फिर उधर गाड़ी पकड़ना पड़ता है, वो टाइम से नहीं मिलता है, वैसे हम तो ये पानापुर ही जाते हैं लेकिन और टीचर लोग जाते हैं उनको दिक्कत होती है। ऐसे नाव से एक नाव के सिवा और कोई भी साधन है? नहीं नाव ही सिर्फ है। तो ऐसे में कितना जान जोखिम में डाल करके नौकरी करना पड़ता है? हाँ दिक्कत तो होती है लेकिन जो जाता है जिसको जाना जरूर वो जाते हैं, नाव से जाते हैं दूसरा कोई सुविधा नहीं। क्या लगता है सरकार को एक पुल का निर्माण कराना चाहिए? हाँ पुल तो होना चाहिए, जरूरी है, पुल होता तो सुविधा हो जाता हम लोग को जाने में। ठीक है, थैंक। इसलिए पीपा पुल जितना सरकार से निवेदन है कि पीपा पुल को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। और इस पीपा पुल अस्थायी निराकरण है आपका? क्या अस्थायी? हाँ दानापुर में बनता है अस्थायी पीपा पुल। पीपा पुल बन जाने से आपका हमेशा का नहीं है, अभी फिलहाल में तो उसी से हम लोगों को काम चल रहा है ना। पक्का पुल पक्का, ये तो वर्षों से चलता आ रहा है पीपा पुल, वर्षों से चलते आ रहा है लेकिन समय उसका हो गया है कि अब जब बहुत जल्द से जल्द कम से कम जुट जाना चाहिए। पक्का पुल तो हम लोग को दियरावासी के लिए एकदम महत्वपूर्ण है लेकिन नहीं है तो उसके अथी में तो पीपा पुल ही काम कर रहा है ना। घनी आबादी है, हाँ बहुत, अब 5-6 गो पंचायत है गांव में, 5-6 गो मुखिया है इस पूरा दियारा क्षेत्र में, तो पूरा आदमी को सबको नावे से आना जाना अभी है। स्थानीय विधायक और पार्षद से या मुखिया से या फिर मुख्यमंत्री तक आप लोग कभी आवाज़ उठाएं? हाँ तो विधायक जी भी उठाए हैं, बहुत सा आदमी मतलब पूरा गाँव का क्षेत्र का भी आदमी सब उठाए हैं, पक्का पुल के लिए मांग भी हुआ है, सरकार हम लोगों को कर देगा तो बहुत अति अति सुंदर की बात है। क्या समस्या होती है वहाँ? समस्या देखे रहे हैं, नाव से फिलहाल हम लोग को आना जाना है, नाव से गाड़ी भी उलट जा रहा है आपके सामने ही उल्टा है, देख लीजिए। आप लोग दियारा क्षेत्र से? जी। क्या करते हैं? दूध जैसे कि वहाँ से हम लोग समिति में एकत्रित कर करके दानापुर जैसे कि नासिरगंज घाट पर लाते हैं। कैसे लाते हैं? नाव से लाते हैं, नाव एक मध्यम साधन है। दियारा क्षेत्र में कितनी आबादी होगी? दियारा क्षेत्र में करीब करीब लमसम 60-70 हज़ार की आबादी है। ऐसे में पुल का निर्माण ना होना कहीं ना कहीं सरकार की ओर से नज़रअंदाज किया जा रहा है दियारा के क्षेत्र के लोग? नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप मांग भी किए हैं कभी पुल? मांग किए हैं बहुतों बार, जो हम लोग का जैसे कि नेता है जिला परिषद हुआ चाहे प्रमुख हुआ चाहे विधायक हुआ, मांग बार बार जैसे कि सरकार के तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले जब लालू प्रसाद यादव थे तो उनका भी विधानसभा क्षेत्र सोनपुर पड़ता था दियारा क्षेत्र,
क्षेत्र पे करता था दानापुर, दानापुर क्षेत्र उन्हें क्या पता था? उन्होंने भी कभी आश्वासन दिया था पुल बनाने का? पुल बनाने के लिए आश्वासन दिए थे, लेकिन पीपा पुल लालू यादव दिए हैं। क्या लगता है पीपा पुल से आप लोग की समस्या का समाधान है? पीपा पुल से समाधान नहीं है, दो चार महीना के लिए जैसे कि हम लोग का जैसे कि राहत मिलता है, क्षति है, राहत दो चार महीना के लिए मिलता है, दो चार महीना के बाद फिर उसी जैसे कि उसी तरह से जैसे कि होता है। आप लोग रोजी रोटी और परिवार के लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर के, जान जोखिम में लेकर के नाव का परिचालन करते हैं, ये तो सारा आदमी के नज़र पर है, सारा आदमी का, जो विधायक है चाहे क्या बोलता है डीएम आ जैसे कि मंत्री या जैसे कि मुख्यमंत्री बनता है, तब आने के लिए जैसे कि सोचना पड़ता है कि दियर में नाव से पार कैसे उतरे। हम लोग जान जोखिम में डाल करके रात और दिन जैसे कि दूध लेकर के आते हैं, कितना आंधी तूफान भी क्यों ना आवे। इमरजेंसी सेवा अगर किसी तरह की दिक्कतें किसी परिवार को आती है तो उस समय लोग क्या करते हैं? भगवान के भरोसे जैसे कि जिंदा आदमी रहता है, इस पर कोई जैसे कि दो राय नहीं है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार देखते होंगे कि सप्ताह 10 दिन 15 दिन के बाद जिलाधिकारी डीएम के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि गंगा नदी में नाव का परिचालन नहीं किया जाएगा। जब जिलाधिकारी मंत्री विधायक मुख्यमंत्री सभी को ये चीज़ पता है कि दियारा क्षेत्र से आने वालों के लिए पुल का साधन नहीं है, ऐसे में कहा जाता है कि नाव का परिचालन ना होगा, तो फिर ये माने कहाँ तक सही है? हालांकि जैसे कि नाव बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं, कभी कभी तूफान आ जाता है या चाहे जैसे कि बाढ़ जैसे कि ज़्यादा बढ़ जाता है, तब तो प्रशासन के तरफ से कुछ रोक लगता है, इस तरह का रोक लगाने के लिए जैसे कि डीएम का अथी नहीं है। अगर समस्या है कि हम लोग जान जोखिम में बाढ़ हो कुछ हो कभी भी हम लोग को, लेकिन कोई हम लोग की तरफ सुविधा में हम लोग दूध देते हैं, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को मतलब ना कोई इंश्योरेंस है ना कुछ है, डूब गए तो अब भाग से, अब बच गए तो भाग से जान जोखिम में डाल करके। अभी पिछले एक महीने पहले बाढ़ आया था, हम लोग के हर किसान के 40 केन 50 केन दूध फटा ना, हम लोग को ना वहाँ से पैसा मिला, हम लोग अपने तरफ से किसान को किसी तरह भरपाई किए। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों को नज़रअंदाज कर रही है? एकदम बिल्कुल, हमारे दियरा क्षेत्र में 3 विधानसभा पड़ता है, दाना लोकसभा, लोकसभा 2 लोकसभा पड़ता है और 3 विधानसभा क्षेत्र है इतना दियरा में, केवल सोनपुर विधानसभा, दीघा विधानसभा, दानापुर विधानसभा, तीनों विधानसभा का एरिया यहाँ पड़ता है, लेकिन कहीं से हम लोगों को कोई मतलब लाभ नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किस तरह की परेशानियां हैं और कई तरह की परेशानियां का उजागर उन्होंने किया है, इसके साथ ही सरकार और स्थानीय सांसद और विधायकों से लगातार अस्थाई पुल का मांग कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय सांसद के द्वारा अब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जा सका है, जिसके कारण आज भी लोग जान जोखिम में डालकर नाव का परिचालन करने पर मजबूर हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है कि इतनी घनी आबादी में रहने वाले दियारा क्षेत्र के लोगों की समस्या के समाधान के लिए एक पक्की पुल का निर्माण कब करा पाती है। कैमरा पर्सन विशु के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IBTV पटना। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, the only seal for tough construction.